ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ 'ਚ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ। ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਜਿਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਸਿੰਗੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੂਤ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਵੋਂ ਕੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਹਮ ਐਸੇ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਭੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜੌਨਸਾਰ ਬਾਵਰ ਕੀ ਯਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਪੂਰੇ ਜੌਨਸਾਰ ਬਾਵਰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਮਾਸ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਾਂਵ ਜਹਾਂ ਪਰ ਭੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਂਗੇ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਮਾਨਿਅਤਾ ਹੈ। देखिए सर, ये तो कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा है महाराज, ये तो हम कह नहीं पाएंगे कि कितने पीढ़ी पहले की बात है, पुराने टाइम से इसकी पूजा महाराज की यहाँ हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। कैसा लगता है आपको जब बाकी जगह जाते होंगे और आप कहते हैं कि हमारे जो कुल देवता है वो एक भूत महाराज है? अब बाहर के लोग तो सर इसका मजाक उड़ाते हैं कि आप भूत की पूजा करते हैं, पर हमारे लिए ये आराध्य देव है, हम इनकी पूजा बड़े विधि विधान से करते हैं और हमारा एक कुल देवता है ये सिंगोर गांव। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना तो मूर्ति है ना कोई चिन्ह है, लेकिन एक बड़ी सी शिला है, पत्थर की एक बड़ी शिला है और जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति या परिस्थिति बनी होगी जब आप लोगों को लगा कि नहीं ये एक महाराज है और इनके साक्षात प्रकट होना या जो भी चीज़ें रही होगी जिस वजह से आपके गांव में कुछ पुण्य हुआ होगा या फिर कुछ और चीज़ें हुई होगी जब आपने इसको देवता के रूप में पूजना शुरू की? ये पत्थर की शिला है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है, ये पत्थर की शिला ही हमारा देवता है, ये पुराने टाइम से ही ये शिला पूजी जाती है और जगह हमने कहीं सुना नहीं कि भूत देवता का कहीं मंदिर है। ये पहला ही गांव है जौनसार बावर। जौनसार बावर क्या शायद गढ़वाल भी कहीं, गढ़वाल में भी हमने सुना नहीं कहीं, ये पहला ही गाँव है। अच्छा, सुनने में ये भी मिलता है कि अक्सर जब रात के समय जब लोग निकलते हैं या सिंगोर गांव के हो या फिर आसपास के गांव के लोगों की और उनको अगर बाई चांस डर सताता है जाने आने में, तो सुनने में आता है कि भूत महाराज कुछ साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसा? ये बिल्कुल, ये तो सत्य है, आज भी है, ये महाराज हमारी रक्षा करता ही आज भी है, तो इसके लिए तो हम नकार नहीं सकती, तो खुद भी हम अजमा के भी देखे हैं तो महाराज हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं के साथ। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान जी भी मौजूद है, प्रधान जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये भूत महाराज का जो यहाँ पर मंदिर है, कितने लोग इसके इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है इसका इतिहास जानने की कोशिश की। इस महाराज से जो हमारा गाँव सिंगोर तो जुड़ा हुआ है ही, हमारी खत पूर्व जो है पूरी जुड़ी हुई है, लेकिन आसपास के खतों के बहुत सारे लोग जो है इससे आस्था रखते हैं और यहाँ पर आते हैं।
जिसके भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो है प्रसाद लेकर के आते हैं, प्रसाद चढ़ा करके जो है अपने चले जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म का कोई क्या कहें भेदभाव नहीं है कि कोई जाति कोई किसी भी जाति का धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी मन्नत मान सकते हैं महाराज से। अच्छा, देवी देवताओं की यदि बात करें तो देवी देवताओं का अपना आप में कुछ ना कुछ उनका एक इतिहास, प्राचीनकालीन इतिहास रहता है। इस महाराज का ऐसा क्या इतिहास है कि जो आपने एक भूत को महाराज के महाराज का दर्जा दिया है और देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है? वैसे तो हमारे बुजुर्ग जो है इसको मारा, हमने तो क्या दर्जा देना, हमारे बुजुर्गों ने दर्जा दिया हुआ है भूत महाराज को कि हमारा देवता है। लेकिन इसके दो इतिहास ऐसे हैं जो हमें पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो है इतिहास बताते जाते हैं कि ऐसा हुआ था। तो कई पीढ़ी पहले जो है ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो है जल भराव हो गया था, बहुत खतरनाक जल भराव हो गया था, जिसके कारण से हमारा ग्राम सिंगो जो है बहने वाला था दोनों साइड से। तो हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं कि इतिहास है कि भूत महाराज जब ये लगा कि गांव बह रहा है तो दोनों पांव जो अपने फैला दिए थे और जो भी पानी का जल भरा था वो भूत महाराज के पैरों के नीचे जो फिर उतने जगह पे पानी का जल भरा रहा जहाँ पे जो है जब दोनों साइड महाराज ने अपने पैर फैला दिए थे। और दूसरी शक्ति ये है, दूसरा इतिहास ये है कि जब इधर से कोई हमारा चालदा महाराज जी कहीं इधर से जा रहे थे, ऊपर से रास्ता है भूत महाराज के मंदिर के ऊपर से, तो एक इतिहास बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि उस समय जो है किसी ने जब इधर से गुजर रहे थे देवता तो हमारे महाराज की जो है पूजा अर्चना नहीं की, इसको प्रसाद नहीं चढ़ाया, तो किसी ने बोला होगा कि चलो सिंगूर के भूत महाराज को जो प्रसाद चढ़ा देते, तो किसी ने बोला कि ना भूत को क्या प्रसाद चढ़ाना है, तो फिर महाराज ने अपने सब शक्तियों का चमत्कार दिखाया और उस चालदा महाराज की पालकी को जो है ठंगार में जो टांग दिया, वहाँ पर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लोग। तो ये एक बहुत दो इतिहास ही ऐसे इतिहास है कि हमारे हर गांव में बच्चे बच्चे को पता है। क्या महाराज के नाम का यहाँ पर कोई कार्यक्रम वगैरह के भी आयोजन किया जाता है? इसमें जुलाई के महीने में होता है एक कार्यक्रम, अषाढ़ के महीने में भूत यात्रा बोलते हैं, भूत देवता की जो यात्रा के वो त्यौहार मनाते हैं साल में एक बार, और उसके बाद जो है हर गर्मियों में यहाँ पर भंडारे होते हैं, हमारी ज्ञाटुड़िया हैं गाँव के लोग हैं, महीने में तीन तीन चार चार भंडारे होते हैं, पहले ये होते नहीं थे लेकिन अब जो है काफ़ी भंडारे होते हैं। मान्यता है कि कुछ किसी का अगर खो जाता है, कुछ भी चीज़ खो जाती है और यदि महाराज का नाम लेते हैं तो वो चीज़ मिलती है, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल ये सही है कि जो भी जिसके भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो अपना प्रसाद चढ़ाते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नत मांग के आते हैं। और रही बात कुछ खो जाने की, तो वैसे तो खैर हर चीज़ कहीं हमारे बकरियाँ खो जाती है या जेवर खो जाते हैं जो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत सारे लोगों को जो है हमारे जो जान पहचान गए हमारे लोगों को जो बताया है कि भाई इसकी इतनी मान्यता है, तो जैसे जेवर खो गया किसी का तो इस महाराज को जो है प्रसाद मान लेते हैं कि महाराज भूत देवता हम आपको प्रसाद चढ़ा देंगे अगर हमारा जो है ये गहना वापस मिल गया। तो बहुत सारे लोगों के मिले हैं आसपास के लोगों के और उनके वापस मिले हैं जेवर, तो इसकी इतनी अपार शक्ति है, वो लोगों के मन बदल देता है इस महाराज के अंदर। कोई आप लोगों का मजाक भी उड़ाता है? बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भूत देवता की पूजा मतलब भूत की पूजा करते हैं सिंगूर वाले, लेकिन हमें गर्व है इस महाराज की पूजा करने में क्योंकि इसकी इतनी अपार शक्ति है जितनी शायद किसी महाराज में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण थे, एक प्रधान जी और दूसरे सियाणा जी मौजूद थे जिन्होंने जो भूत महाराज है उसके बारे में अवगत करवाया। ठीक, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे ठीक अगर बाएँ साइड देखें तो यहाँ पर नीचे गाँव है और गांव के रोड के ठीक ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार जल भरा हुआ था यहाँ पर, आपदा के रूप में पानी बहुत तेज़ी से आया था जिस दौरान साक्षात भूत महाराज प्रकट होकर उन्होंने गांव की रक्षा की थी। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान।